अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे चैनल किंग अहमद अली में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम 8th स्टैंडर्ड की यूनिट 2.1 पोएम ट्राई अगेन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। चलिए हमारी नज़्म पढ़ते हैं। इसके पोएट जो है डब्ल्यू ई हिक्सन, दैट इज़ विलियम एडवर्ड हिक्सन। ही वॉज बॉर्न ऑन 7th of January 1803 एंड डाइड ऑन 22nd March 1870। हिक्सन वॉज अ ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर। ही वॉज द ऑथर ऑफ टाइम एंड फेथ। हिक्सन जो है ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर थे। उन्होंने टाइम एंड फेथ नामी किताब लिखी। डब्ल्यू ई हिक्सन की अहम तहरीरों में द सिंगिंग मास्टर, डच एंड जर्मन स्कूल्स, पार्ट सिंगिंग, टाइम एंड फेथ की दो जिल्दें और ट्राई अगेन ये किताबें शामिल है। ट्राई अगेन इनकी एक अहम नज़्म है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम डब्ल्यू ई हिक्सन के तहरीर के अंदाज़ को भी समझेंगे कि किस तरह वो एजुकेशनल राइटर के साथ साथ एक मोटिवेशनल राइटर भी थे। फर्स्ट वी विल रीड द होल पोयम। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। देन योर करेज शुड अपियर, फॉर इफ यू विल परसीवर, You will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. W. E. Hickson, जो कि पोएट का नाम है। बच्चों, अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम में जब भी आपको पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ द पोएट और पोएट और ऑथर नेम, तो याद रखिए पोयम के लास्ट में हमेशा शायर का नाम लिखा हुआ होता है। चलिए अब पोयम हम समझते हैं। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। देखिए टिस जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ये है शॉर्ट फॉर्म दिस का, THIS, दिस का शॉर्ट फॉर्म है। अब शायर कहता है कि ये एक सबक है जिस पर आपको तवज्जा देनी चाहिए। हीट का मतलब होता है तवज्जा देना। अब कौन से सबक पर शायर तवज्जा देने के लिए कह रहा है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, इस बात पर शायर तवज्जा देने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। अगर पहली मर्तबा में आप सक्सीड नहीं होते, कामयाब नहीं होते, तो दोबारा कोशिश करें। देखिए ट्राई अगेन को पोएट ने पूरी पोयम के अंदर बार बार रिपीट किया है। रिपीटेशन ये फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ यूज़ हुआ है, ट्राई अगेन इस लाइन को बार बार रिपीट करके। रिपीटेशन और एलिट्रेशन इस फिगर ऑफ स्पीच पर काफ़ी डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर वो मौजूद है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। Then your courage should appear, for if you will persevere. पोएट कहते हैं कि आप जब किसी काम को करते हो और उसमें कामयाब होना चाहते हो, तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि उसका जो करेज है, जो हिम्मत है, वो दिखनी चाहिए। जाहिर होना अपियर का मतलब होता है और persevere का मतलब होता है कामयाब होने तक मुसलसिल कोशिश करते रहना। You will conquer, never fear, try again. पोएट कहते हैं कि जब तुम
हिम्मत करोगे और मुसलसल कोशिश करोगे, जद्दोजहद करोगे, तो तुम कॉन्कियर होंगे, यानी कामयाब होंगे, फातह होंगे। नेवर फियर, कभी भी खौफ नहीं खाओगे। इस पूरे स्टैंजा का मतलब है कि जब आप किसी काम को करने के लिए खूब मेहनत करते हो, आपकी वो हिम्मत भी जाहिर होती है, तो आप हमेशा फातह होंगे, कामयाब होंगे और कभी भी खौफ नहीं खाओगे। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें कामयाबी मिलेंगी, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन नेवर फियर, खौफ नहीं खाओगे का मतलब क्या? पोएट क्या कहना चाहता है इस लाइन में? एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर बाइक सीखना है तो मैं बाइक सीखने के लिए कोशिश करूँगी। पहले शुरू में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि टर्न्स किस तरह लेना है, अपने आप को बैलेंस किस तरह करना है। हो सकता है कि मैं एक दो मरतबा गिर भी जाऊँ, मुझे चोट भी लग जाए, लेकिन जब मैं उसमें परफेक्शन हासिल करूँगी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से टर्न्स किस तरह से चलाना है, किस तरह से ब्रेक पर कंट्रोल है, मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से अगर सीख जाऊँ, तो उसके बाद में मैं गाड़ी चलाते वक्त कभी भी खौफ नहीं खाऊंगी, बिल्कुल डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे उस काम में परफेक्शन आ जाएगी। समझे? इसीलिए पोएट कहते हैं कि जब आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होकर रहोगे और कभी भी किसी भी चीज़ से, कभी भी कोई सिचुएशन से आप डरेंगे नहीं। एंड लास्ट लाइन, अगेन ट्राई अगेन, मीन्स दोबारा कोशिश करो। मूव टू द नेक्स्ट। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। फर्स्ट टू लाइनों में पोएट कहते हैं कि वंस और ट्वाइस, एक मरतबा या दो मरतबा, दो यू शुड फेल, अगरचे कि आप नाकाम हो जाए, ट्राई अगेन, लेकिन कोशिश करते रहिए, दोबारा कोशिश कीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना सोच के क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा। बिल्कुल सही कहा है ये शायर ने कि अगर कुछ नहीं होगा तो हमें तजुर्बा तो मिलेगा कि किस तरह हमें काम को करना है। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। एक मरतबा, दो मरतबा या मुसलसिल आप कोशिश करते रहेंगे तो आप एट लास्ट प्रिवेल हो जाएंगे, आप आखिर में छा जाओगे, उस काम में आप परफेक्ट हो जाओगे। इसीलिए क्या करना है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस, दो वी डू नॉट विन द रेस, वॉट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। स्ट्राइव का मतलब होता है जद्दोजहद और डिस्ग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती या रुसवाई। यहाँ कहते हैं कि अगर हम कंटिन्यूस जद्दोजहद करते रहें, तो देखिए वहाँ पर दोबारा टिस आया है जो कि दिस का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये कोई डिसग्रेस की बात नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई काम करते हुए नाकामी मिल जाए तो लोग उस काम को ही छोड़ देते हैं, बजाय इसके कि उस काम में हम किस तरह कामयाब हो, वो काम को ही करना छोड़ देते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि लोग क्या कहेंगे, शर्म आ रही है कि दोबारा मैं कैसे उस चीज़ को करूँ, एक बार मैं कैसे फेल हो गया, लोग मुझे फेलियर कहेंगे। नहीं, फेलियर इज़ की टू सक्सेस। दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचे कि हम रेस को, अपनी दौड़ को नहीं जीत पाएँ, वॉट शुड यू डू इन दैट केस। अब पोएट हमसे सवाल कर रहा है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मामले में आप क्या करोगे, और पोएट खुद ही यहाँ पर जवाब भी दे रहा है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। अगर आपने ये पाया कि आपका जो टास्क है, आपका जो टारगेट है, वो हार्ड है, मुश्किल है, तो ट्राई अगेन। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, जो वक्त जो है बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर दिलाएगा, इनाम ज़रूर दिलाएगा, बस ट्राई अगेन। All that other folk can do, folk कहते हैं लोगों को, ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, अब इसकी जगह
प्यूपल बोला जाता है। देखिए ये 1870 से पहले लिखी हुई पोएम है, तो इसमें कई एक ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, अब नहीं होते। जैसे कि अभी टिस आया था, अब फोक आया है, ठीक है। ऑल दैट अदर फोक कैन डू वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू। यहाँ भी पोएट हमसे सवाल कर रहा है कि जो दूसरे लोग, दूसरे फोक जो है, वो किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई ख़ास तरीका अगर अपनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत अगर वो करते हैं, तो आप भी उस चीज़ को पेशेंस के साथ, सब्र के साथ क्यों नहीं कर सकते। वो सवाल कर रहा है हमसे कि आप भी तो मेहनत कर सकते हो दूसरे लोगों की तरह। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ एक उसूल को अपने नज़र में रखिए। रूल का मतलब होता है उसूल, व्यू का मतलब होता है नज़र। ट्राई अगेन, और वो उसूल है दोबारा कोशिश करें, मेहनत करें, बार बार कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हो कर रहेगी। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।